यहाँ जमने का काम स्टिक कर जाएगा, स्टिक कर जाता है तो आपको अलग से दिखेगा कि ये पूरा गंदा हो गया है। उस टाइम पे ये वाला क्लोथ यूज़ करना है हमेशा, इसको थोड़ा सा IPA में या मिथनॉल में डिप करके हल्के हाथ से ऐसे रब करना है, सो देट आपका ये क्लीन हो जाए। क्लीन फ्री क्लोथ है, अगर टिश्यू से प्रोसेस हम यूज करेंगे वो अंदर खींच देगा, वैक्यूम वैक्यूम में अंदर बिल्कुल न्यूट्रल है और बहुत हाई वैक्यूम है, यानी कि वो पंप रखा हुआ वो है और एक टर्बो लगा हुआ है मशीन के अंदर, जो अपना एरोप्लेन में यूज होते हैं ना टर्बो, वो वाले टर्बो कुछ सुंदर यूज होता है। ये आपका ये इस असेंबली को ये क्या था, नेबुलाइजर का काम पता है ना, उधर से वो स्प्रे को माइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है। और ये आपका सोर्स हेड है, यहाँ पे आपका मैं अभी दिखाऊंगा कोई कैपिलरी लगता है यहाँ पे, इसको हम आयन इंजेक्टर बोलते हैं, इसके अंदर से आयन ट्रांसमिशन होता है। कई बार जब दिक्कत आता है तो हम उसको फिर निकाल के क्लीन भी करते हैं, ये कैपिलरी लगी हुई है, ये जो सिंगल बोर्ड इसमें दिख रहा है और मल्टीपल होल्स में साइड वो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की कैपिलरी रहती है, ये सिंगल होल वाली है। सर ये प्रोसेस तो उसी बन जाएगा ना, चलते हैं बट कैपिलरी नहीं निकालते, जितना भी किया उतना आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉपर सिस्टम मैनेज करना है। कैपिलरी निकालने के लिए पहले आपको इसको खोलना है, फिर इसको खोलना है, फिर आपको उसको काम जो करना है आपको पावर ऑन करना है। और ये इतना डस्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा जो भी इससे काम कर रहा है कोई भी है, पहले 5 मिनट मशीन की सफाई पे लगाओ, नहीं तो ये डस्ट है ये आपका मुझे पता नहीं कौन सा माल है, तो फिर आप बोलोगे कि आपका फिर आप अलग से रिसर्च में घूम जाओगे, फिर थोड़ा सा इस पर टाइम जरूर आपने देना है। और कई बार हम जैसे स्प्रे वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ से ना, ऐसे करके आपको दिखेगा क्लियर जो आपका अभी तो सिंपल नाइट्रोजन आ रहा है, जब आप आपका फ्लो आएगा फिर तो बिल्कुल माइन्यूट स्प्रे आपको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको विजिबल भी रहेगा। तो आपने देखना है अगर स्प्रे बराबर नहीं है तो भी आपका आयन ट्रांसमिशन बराबर से नहीं होगा, कई बार आप देखेंगे नहीं आया आप श्योर हैं कि मतलब मेरा टेम्पर ठीक है सब ठीक है, तो आपको स्प्रे चेक करना, अगर स्प्रे प्रॉपर नहीं रहेगा तो फिर आयन ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। हाँ चौक भी हो सकता है और कई बार ये पार्सली चौक होता है, मतलब हल्का आपका स्प्रे फिर सा रहेगा या वो आपको डिफरेंशियल करता है। ये तो मैंने वीडियो दिखा था उसमें एक टाइप का स्प्रे आपको दिख रहा था, तो अभी जैसे एक बार अगर मैं जब फ्लो चालू करके दिखाऊंगा मैं आपको स्प्रे कैसा होना चाहिए, नहीं तो आप इसको सिंपल ये नट खोल के ये खोल के यहाँ पे आपने एक टिप लगा लेना है, 0.5 ml वाला जो टिप रहता है ना वो लगा के इसको थोड़ी देर मिस खोल नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो मोटर मिथनॉल लगा के थोड़ी देर मिथनॉल से चेक करो 1 ml के फ्लो से और वो भी आप कर सकते हो। और एक चीज तो ध्यान रखना है, कभी भी कोई जैसे आपके जगह स्पीकिंग या क्लीनिंग वाला है कभी भी उसको कुछ नहीं बोलना है कि इसको साफ करो, उसको कोई मतलब नहीं है, एमएस है कि टेबल है सबको एक थोड़ा सा
आई केयर क्या आई केयर ये